कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। कल तक हमने देखा था कि कैसे मराठा शासन की समाप्ति हुई और छत्तीसगढ़ जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। यहाँ तक हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था। इसके उपरांत हमने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 1857 का विद्रोह एवं छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख केंद्र थे 1857 क्रांति में, उसको भी कवर किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिटिश शासन का जो कुछ हिस्सा वो कल के टॉपिक में जो छूटा हुआ था वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई, इसके उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कैसे कैसे अपने कार्य आगे बढ़ाए गए, इसके ऊपर क्या करेंगे आज हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो सारे लोग लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो और हमारा जो उद्देश्य है वो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। ठीक, क्या पूछा जा रहा है आपको? ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। ठीक, तो ब्रिटिश प्रशासन कब से शुरू हुआ? तो कल हमने देखा था कि 1854 में क्या हुआ था, तो जो छत्तीसगढ़ है ये ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना था। तो उसके जब प्रारंभिक दौर चल रहे थे तब छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले निर्मित हुए थे ये आपको पूछा जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और संबलपुर। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है कि 1 एवं 2 सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है ये आपको बताना है। जल्दी से क्या करें, आप अपने आंसर दें, जल्दी लगाएं आप अपने आंसर, लगा लिए आपने आंसर। तो देखिए हुआ क्या था कि 2 नवंबर 1861, ठीक है ये एक डेट याद रखना आप। क्या? तो 2 नवंबर 1861 इस दिन क्या हुआ था, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, ठीक है किसकी दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से नागपुर एवं उसके अधीनस्थ क्षेत्र, अधीनस्थ क्षेत्रों में क्या क्या, तो आप बताएंगे वर्तमान का जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो, वर्तमान का मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और वर्तमान का आपका अपना प्रदेश छत्तीसगढ़ है, सबले बढ़िया वाला प्रदेश। ठीक है, इसमें इतने जो क्षेत्र थे इनको एक साथ मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया? मध्य प्रांत का गठन किया गया। अब ये जो मध्य प्रांत था इसके अंतर्गत प्रारंभ में 3 संभाग थे। ठीक है, कितने संभाग थे? तो 3 संभाग थे। ठीक है, क्या हुआ इस दिन? तो इस दिन मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन। ठीक है, प्रारंभ में मैंने क्या बताया, इसमें 3 संभाग थे। 3 संभाग कौन कौन से? तो एक तो नागपुर संभाग था, दूसरा रायपुर संभाग था और तीसरा गोदावरी संभाग। ठीक है, कौन सा संभाग तीसरा आपका? तो तीसरा था आपका गोदावरी तालुक संभाग। क्लियर है? ये क्या थे आपके 3 संभाग थे, कब? तो 2 नवंबर 1861 को। इसके उपरांत 1862 में, ठीक है 1862 में क्या किया गया? तो 1862 में जो मध्य प्रांत है
इसके अंतर्गत संभागों की संख्या बढ़ाकर 5 संभाग किया गया। ठीक है, कितने संभाग किए गए? तो 5 संभाग बनाए गए। ठीक, इससे पहले ये जो मध्य प्रांत था, ठीक, इस मध्य प्रांत का मुख्यालय किसे बनाया गया था? तो मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर को बनाया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या था आपका? नागपुर था। और 1862 में क्या किया गया? जो मध्य प्रांत है उसमें संभागों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 5 संभाग कर दिए गए। ठीक है, और 1862 में ही छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का क्या मिला? दर्जा मिला। और इस स्वतंत्र संभाग का मतलब छत्तीसगढ़ का जो मुख्यालय था, छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय ये था रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो स्वतंत्र संभाग बना उसका मुख्यालय क्या? रायपुर। और इसके अंतर्गत जिला, ठीक है, क्या आपका? इसके अंतर्गत जो जिले शामिल थे वो थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, कौन कौन से जिले शामिल थे? तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये क्या थे? 3 जिले शामिल थे प्रारंभ में। कब? तो जब मध्य प्रांत का गठन किया, मध्य प्रांत के गठन के उपरांत क्या हो रहा है आपका? तो उस समय गठन के समय में 3 संभाग कौन कौन से? तो नागपुर, रायपुर और गोदावरी तालुक संभाग। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या था मध्य प्रांत का? तो मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर। इसके अलावा आपको क्या, 2 नवंबर 1861 के बाद 1862 में क्या किया गया? मध्य प्रांत के अंतर्गत संभागों की संख्या बढ़ाई गई, और संख्या बढ़ाकर कितनी की गई? 5 की गई। ठीक है, साथ ही छत्तीसगढ़ को क्या दिया गया? तो स्वतंत्र संभाग का दर्जा भी दिया गया। ठीक है, इस स्वतंत्र संभाग का मुख्यालय क्या? तो छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय रायपुर। कौन कौन से 3 जिले? तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले शामिल किए गए थे। क्लियर है? तो समझ में आ गया, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से 3 जिले? तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? प्रारंभ में कौन कौन से जो जिले हैं वो सम्मिलित थे? तो क्या दिख रहा है आपको? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले क्या थे? इसमें सम्मिलित थे। दुर्ग कब जिला बनेगा? अभी आगे मैं चर्चा करूंगा उसके संबंध में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सी क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया बात? देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सरगुजा ब्रिटिश काल में, ठीक है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? 1915 में, 1910 में, 1900 में कि 1905 में? जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? चर्चा करें, देखते हैं कि कब जो सरगुजा है वो क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। तो 1905 आपको एक समय याद रखना है। इस 1905 में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में। क्या? तो आपका बंगाल का विभाजन, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्या किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया। और इस बंगाल विभाजन के साथ, जो बंगाल विभाजन के साथ 1905 में छत्तीसगढ़ का जो संबलपुर जिला है, ठीक है, कौन सा जिला आपका? तो छत्तीसगढ़ का संबलपुर जिला 5 उड़िया भाषी रियासतों के साथ, 5 उड़िया भाषी, 5 उड़िया भाषी रियासतों के साथ क्या हो जाता है? तो बंगाल प्रांत के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, जो संबलपुर जिला है वो 5 उड़िया भाषी रियासतों के साथ उड़ीसा राज्य में शामिल हुआ। ठीक है, कहां हुआ? तो उड़ीसा राज्य में शामिल हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो संबलपुर जिला था वो संबलपुर जिला के सहित उसके अंतर्गत आने वाले 5 उड़िया भाषी रियासतें क्या हुई? तो ये जो 5 उड़िया भाषी रियासतें थी ये बंगाल प्रांत के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में क्या हो गया? शामिल हो गया। और ये जो 5 उड़िया भाषी रियासतें थी इनका अगर आपको नाम पूछे तो आप बताएंगे सोनपुर, कालाहांडी,
कालाहांडी, पटना, रायखोल और बामरा। ठीक है, ये पांच जो रियासतें थी छत्तीसगढ़ की वो क्या हो गई, तो वो जो है संबलपुर जिले के साथ बंगाल प्रांत के उड़ीसा राज्य में सम्मिलित हो गई। ठीक है, इसके उपरांत जो छत्तीसगढ़ था इसमें उसी बंगाल प्रांत का जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था उस छोटा नागपुर क्षेत्र के, ठीक है, कौन से क्षेत्र के, तो छोटा नागपुर क्षेत्र के पांच रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। पांच रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। ठीक है, कौन कौन से थे ये पांच रियासत जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, तो सरगुजा के उपरांत उदयपुर के उपरांत जसपुर, कोरिया और चांग बखार। ठीक, ये जो पांच रियासतें थी ये क्या हुई, तो ये जो पांच रियासतें थी ये छोटा नागपुर क्षेत्र से कहां पर सम्मिलित हो गई, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र से आपके सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, जांग बखार ये जो था ये छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गया। कब सम्मिलित हुआ, तो 1905 में ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गया। क्लियर है, छत्तीसगढ़ की कौन सी पांच रियासतें, तो सोनपुर, कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा, ये क्या थी, तो ये जो थी ये उड़ीसा में सम्मिलित हो गई। उड़ीसा की कौन सी पांच रियासतें, तो सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बखार, ये क्या हो गया आपका छत्तीसगढ़ में आ गया। तो सरगुजा छत्तीसगढ़ का हिस्सा कब बना, तो 1905 में सरगुजा क्या हुआ आपका छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। ठीक है, कब बना, तो 1905 में सरगुजा छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। आगे देखिए अपना क्वेश्चन। ठीक, अगला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात बोले, ठीक है, मतलब 1854 के पश्चात जो घटनाएं हुई है उनको क्या करना है आपको, इनके वर्ष के हिसाब से सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना, बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त, दुर्ग जिला निर्माण और कैप्टन इलियट की नियुक्ति। ठीक है, क्या, कैप्टन इलियट की नियुक्ति। ठीक, लगाया लिया आंसर, आप जल्दी से बताएं कि छत्तीसगढ़ संभाग कब बना। ठीक, अभी मैंने बताया 1862 में बना, तो पहला तो आप ऐसे ही क्लियर कर लिए। ठीक है, 1862 में क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ आपका संभाग बना, है ना। बिलासपुर जिला में प्रथम भू बंदोबस्त, तो 1868 में क्या हुआ आपका, तो बिलासपुर जिला में प्रथम भू बंदोबस्त आया। ठीक है, फर्स्ट लैंड सेटलमेंट जो है वो कब आया, तो 1868 में आया, कहां पर, बिलासपुर जिला में। दुर्ग जिले का निर्माण 1906 में हुआ और कैप्टन इलियट की नियुक्ति 1855 में हुई। ठीक, ये जो दुर्ग जिला है इसके संबंध में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ, तो प्रशासनिक पुनर्गठन हो रहा है कहां पे, तो पूरे मध्य प्रांत के अंतर्गत बंगाल के विभाजन के साथ ही पूरे मध्य प्रांत में क्या हो रहा है आपका, तो प्रशासनिक पुनर्गठन हो रहा है। अब इस प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत जो संबलपुर जिला है वो कहां चले गया, तो संबलपुर जिला हमारा उड़ीसा चले गया। तो अब इसके बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से कोई ना कोई एक नया जिला निर्मित करना पड़ेगा। तो जब संबलपुर जिला वहां पर चले जाता है तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में 1905 में क्या होते हैं, जो प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ उसके अंतर्गत 1906 में फिर से जो तीन नए जिले अस्तित्व में आए वो क्या, तो रायपुर के उपरांत बिलासपुर और बिलासपुर के उपरांत दुर्ग आपका। ठीक है, क्या आपका दुर्ग। बिलासपुर और रायपुर तो क्या थे, पहले से ही जिले थे, लेकिन जब प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ तब पुनः जो तीन नए जिले अस्तित्व में आए वो कौन कौन से थे, तो आपके रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। ठीक है, इसमें से दुर्ग कब जिला बना आपका, तो 1906 में दुर्ग आपका जिला बना। बाकी 1861 में रायपुर और बिलासपुर क्या हो चुके थे, आपके जिले बन चुके थे। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अपना। ठीक, इसको तो आपने बना लिया, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, 1862 में। ठीक है,
बिलासपुर जिला में प्रथम भू राजस्व भू बंदोबस्त 1868, दुर्ग जिला का निर्माण 1906 और कैप्टन इलियट की नियुक्ति 1855। ठीक है, तो पहले का तीन दूसरे का चार कहां पर दिख रहा है? पहले का तीन दूसरे का चार, तीन चार, सॉरी पहले का चार होगा ना आपका, पहले का चार फिर तीन फिर एक फिर दोस्त, आपका क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? अगला, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, किसके उपरांत बोल रहे हैं? तो 1861 के पश्चात, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। दूसरा बोल रहा है नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। तीसरा बोल रहा है जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है, निम्नलिखित जो कथन है उनमें से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है, ये आपको जानना है। तो एक एक कथन पर पहले हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे पहला आपका कथन क्या बोल रहा है? न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, तो बिल्कुल सही कथन है। जैसे ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य आता है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, तो होता क्या है, जो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजाब में लागू सिविल कोड को क्या बनाया जाता है? आधार बनाया जाता है। ठीक है, पंजाब में लागू जो सिविल कोड था उसको क्या किया गया? आधार बनाया गया, और उसके आधार पर ही छत्तीसगढ़ में जो न्याय व्यवस्था है उसको आगे संचालित करने का कोशिश किया गया। ठीक है, इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ था उसमें न्याय व्यवस्था के लिए अलग से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। ठीक है, क्या नहीं किया गया था? तो अलग से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। रायपुर एवं बिलासपुर जिले के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर को क्या सौंपा गया था? तो डिप्टी कमिश्नर को क्या सौंपा गया था? तो न्याय संबंधी कार्य या न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य अधिकारी उनको बनाया गया था। ठीक है, किसको? तो डिप्टी कमिश्नर को। इसके अलावा जो संबलपुर जिला था, उस संबलपुर जिले में डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ सहायक कमिश्नर, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब भी क्या कर सकते थे? तो न्यायिक कार्य कर सकते थे। कौन से जिले में? तो संबलपुर जिले में। लेकिन रायपुर और बिलासपुर जिले के अंतर्गत न्याय संबंधी कार्य के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टर या जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको ही नियुक्त किया गया था, अलग से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई। ठीक है, इसके अलावा आप जो छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया? तो दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1921 में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई थी। क्लियर है? इसके अलावा 1871 के अंतर्गत आपराधिक जनजातीय अधिनियम भी लागू किया गया था। तो न्याय व्यवस्था में क्या किया गया? व्यापक सुधार किया गया। दूसरा, नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको? नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया? नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। ठीक है, इस समय प्रारंभ में छत्तीसगढ़ को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से कुल चार भागों में बांटा गया था। ठीक है, क्या किया गया था? पुलिस प्रशासन की दृष्टि से कुल चार भागों में बांटा गया था। रायपुर सदर, रायपुर तहसीलदारी क्षेत्र, धमतरी तहसीलदारी क्षेत्र और रतनपुर तहसीलदारी क्षेत्र। ठीक है, मतलब 1854 के अंतर्गत जो तहसील गठित हुए थे उन तहसीलों के हिसाब से ही क्या किया गया था? तो पुलिस प्रशासन को विभाजित किया गया था। रायपुर तहसीलदारी के अंतर्गत एक भाग, दूसरा धमतरी तहसीलदारी का, तीसरा रतनपुर तहसीलदारी का। इसके अलावा रायपुर सदर मतलब रायपुर का जो शहरी क्षेत्र था उसको भी क्या किया गया था? एक पुलिस प्रशासन या एक पुलिस व्यवस्था के तहत उसको विभाजित किया गया था। ठीक है, तो प्रारंभ में पुलिस प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कितने भागों में विभाजित था? तो चार भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? तो रायपुर सदर, रायपुर तहसीलदारी, धमतरी तहसीलदारी और क्या आपका, तो आपका रतनपुर तहसीलदारी। इसके बाद आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि पहली बार कब
तहसीलदारी व्यवस्था का क्या किया गया था, तहसील का पुनर्गठन किया गया। तो हमको पता है कि फरवरी 1857 के अंतर्गत तहसील का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, और 5 तहसील हमारे पास अस्तित्व में आए थे, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, नवागढ़ बेमेतरा वाला क्षेत्र और आपका धमधा। ठीक है, तो तहसीलदारी व्यवस्था के पुनर्गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, तो पुलिस व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया गया, और पुलिस प्रशासन के जो पुलिस प्रशासन था उसको भी छत्तीसगढ़ में 5 भागों में बांटा गया, रायपुर, रतनपुर, ठीक है क्या, आपका धमतरी, नवागढ़ और धमधा। ठीक है, इसमें 5 भागों में क्या किया गया, पूरे छत्तीसगढ़ को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बांटा गया। क्लियर है। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र थे आपके, ठीक है, कौन से क्षेत्र, तो जितने भी तहसीलदारी क्षेत्र थे उसके अंतर्गत 15 पुलिस थानों के गठन का क्या किया गया, व्यवस्था किया गया, 15 पुलिस थानों के गठन का व्यवस्था किया गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा हमने देखा था कि रायपुर के अंतर्गत क्या किया गया था, तो केंद्रीय जेल की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं इसको क्या करेंगे आप, तो अपने नोट्स में नोट कर रखेंगे, इन एक एक पॉइंट से आपको प्री के अंतर्गत या व्यापम के अंतर्गत लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये सारे पॉइंट आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, अगर आपको डायरेक्टली उठाकर पूछ दिया किसके संबंध में, तो छत्तीसगढ़ में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो पुलिस व्यवस्था क्या थी, ऐसा पूछ दिया आपको 2 नंबर में, तो इतने पॉइंट आपको लिखने के लिए काम आ जाएंगे, 4 नंबर में भी आपको लिखने के लिए काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, यह कथन भी बिल्कुल सही है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रत्येक तहसीलदारी के अंतर्गत 15 पुलिस थानों की व्यवस्था की गई, साथ ही रायपुर में क्या किया गया, तो रायपुर में सेंट्रल जेल की स्थापना की गई, सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए, यही कथन गलत है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का जब प्रारंभ होता है तो उस समय जो ब्रिटिश प्रशासन था उसने सिंचाई के क्षेत्र में कुछ व्यापक सुधार नहीं किए थे, आने वाले समय में देखेंगे हम। ठीक है, जब 20वीं सदी आते रहती है तो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही जो ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो सिंचाई के क्षेत्र में भी कार्य किया जाता है, लेकिन 1861 के पश्चात तुरंत अगर हम देखें तो सिंचाई व्यवस्था में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन हमको कोई देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटानी सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया, अभी मैंने बताया था इसका आंसर आपको। ठीक है, कि किस वर्ष ब्रिटानी सरकार के द्वारा आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था, तो अभी मैंने बताया था कि 1871 को क्या किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था। अगला, 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, 1889 कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे, कौन थे जो छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे, जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं, चलो जल्दी बताएं आप अपना आंसर, लगा लिया आंसर आपने, अब कहां से क्वेश्चन मिल रहे हमको, तो कांग्रेस से मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है आपका, ठीक, आपको पूछे कि इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, स्थान पूछे आपसे कहां हुआ था, तो स्थान बताएंगे आप गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में क्या हुआ था, तो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक, किस स्थान पर, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। ठीक है, इसके सचिव थे ए ओ ह्यूम। ठीक, और इस समय भारत के जो वायसराय थे,
वो थे लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग क्या थे? इस समय वायसराय थे, ठीक है, किसके? तो भारत के वायसराय थे, ठीक। अब क्यों गठन किया गया था, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं आप सचिव कौन है, एओ ह्यूम है। तो अंग्रेजों के द्वारा ही क्यों अपने विरोधी पार्टी के रूप में कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था? तो अपने प्रारंभ के अंतर्गत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका यह उद्देश्य नहीं था कि वो क्या करेंगे, तो वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि इससे पहले जस्ट आपने क्या पढ़ा था, अभी 1857 का विद्रोह पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, 1857 का विद्रोह। और इस 1857 के विद्रोह में क्या हो गया था, लगभग आप देखें तो ब्रिटिश प्रशासन की नींव हिल गई थी, ठीक। और ऐसे लगातार 1857 के बाद भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्या हो रहे थे, विद्रोह लगातार हो रहे थे, है ना। मतलब जनता क्या हो रही थी, ब्रिटिश प्रशासन से असंतुष्ट थी और ब्रिटिश प्रशासन तक उनकी बातें नहीं पहुंचती थी, ठीक, इसलिए वो क्या करती थी, विद्रोह करती थी। तो अब ब्रिटिश प्रशासन चाह रही है कि अब इन छोटी मोटी जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी विद्रोह हो रहा है, इसके लिए क्या कर देते हैं हम, तो हमारा ये जो प्रशासन है, ठीक है, मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है और ये जनता है। अब ये जनता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता, तो बीच में हम क्या कर देते हैं, एक हाई कोर्ट बना देते हैं, ठीक है। उसी के संदर्भ में जो ब्रिटिश प्रशासन रहती है वो क्या करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन का सुझाव देती है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया, प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत की जनता का जो भी असंतोष है, ठीक है, जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनके विरोध के कारण है, उसको क्या करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास लेकर आए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे और इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर क्या करेगी उसको, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको ब्रिटिश शासन तक पहुंचाएगी, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में क्या होने लगता है इसमें, तो धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं का आगमन होने लगता है। जैसे जैसे राष्ट्रवादी नेता इसमें आते जाते हैं, तो फिर यही वो संस्था रहती है जो कि क्या करने लगती है लगातार, तो यही संस्था लगातार फिर ब्रिटिशर्स का विरोध करने लगती है। बाकी तो आपने इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से इसको पढ़ा ही होगा, है ना। तो इसके कथनों पर या उसके कारणों पर मैं अभी और ज्यादा चर्चा नहीं करता, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि प्रारंभ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको किस उद्देश्य से गठित किया गया था, तो इसको गठित किया गया था ताकि भारत के अंतर्गत जो भी आम जनता है वो अपनी सारी मांगों को या अपने सारे विरोध प्रदर्शन को क्या करे, यहां पर लाकर दे, ठीक है, और ये क्या करें, तो ब्रिटिश शासन को ले जाकर दे, जिससे जनता में क्या रहे, एक संतोष का भाव रहे कि हाँ हमारे में काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कार्य करेगी। और ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हो रहा है कि इससे जो छोटे मोटे विद्रोह हर दूसरे दिन जो विद्रोह हो रहे थे वो क्या हो गए, रुक गए। अब लोग कहां पर पहुंचते थे, तो अपनी समस्या लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास पहुंचते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समस्या को क्या करती थी, ब्रिटिश शासन तक पहुंचाती थी। अब ब्रिटिश शासन को जितना अच्छा लगता था वो उसको क्या करती थी, उसके काम करने के लिए करती थी, और जितना अच्छा नहीं लगा, है ना, उसको क्या कर देती थी, वो वहीं से टाल देती थी, ठीक है। ऐसे क्या चल रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रहा था। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसके गठन का जो उद्देश्य आपको जानना है वो था ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, ठीक है, ऐसा बताते हैं ये। दूसरा, प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे हम, तो प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पर क्या करेंगे, तो अधिवेशन करेंगे, और अधिवेशन में हम क्या करेंगे, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे। पूरे भारत के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य संख्या में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। इसी के तहत आप देखेंगे तो 1885 और 85 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में क्या हो रहा है, तो गठन हो रहा है। तो सबसे पहले जो मीटिंग है वो कहां हुआ, बंबई में 1885 में, फिर 86 में होगा, 87 में होगा, 88 में होगा, 89 में होगा, ठीक है। तो जो शुरू के चार अधिवेशन रहते हैं उसका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोई भी प्रभाव नहीं होता, छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जो आपने क्या दिखा अभी, 1889 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या आपका अधिवेशन, ठीक है, आईएनसी का अधिवेशन, कब का, तो 1889 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन। ये जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे, ठीक है, कौन थे, सर विलियम वेडर बर्न क्या थे, सर विलियम वेडर बर्न इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, क्लियर, कौन थे इसके अध्यक्ष, तो सर विलियम वेडर बर्न इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये जो 1889 का
आपका क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, इसमें मध्य प्रांत से, ठीक है, कहां से, मध्य प्रांत से 214 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 214 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 214 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसमें से छत्तीसगढ़ से 4 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है, क्या थे, तो 4 प्रतिनिधि शामिल थे, कौन कौन थे 4 प्रतिनिधि, तो वामन राव लाखे, इसके अलावा माधव राव सप्रे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर, ये 4 जो प्रतिनिधि थे वो कहां से शामिल हुए थे, तो छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे, और इनके अध्यक्ष या इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इनके अध्यक्ष या इनके नेतृत्वकर्ता आपके वामन राव लाखे जी थे, ठीक है, क्लियर है, ये 4 लोग क्या हुए, शामिल हुए कांग्रेस के अधिवेशन में। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि आपके कौन थे, तो एकमात्र प्रतिनिधि आपके वामन राव लाखे थे, ठीक, आंसर आपको ये लेना है, क्यों, क्योंकि अध्यक्ष कौन थे, वामन राव लाखे थे, और आपको सिर्फ क्या चुनना है, एक ऑप्शन चुनना है, तो हम लोग क्या देंगे, वामन राव लाखे को लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीजीपीएससी 2022, ठीक है, क्या सीजीपीएससी 2022 स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, ठीक है, राज्य के जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उसमें इसका आंसर रामचंद्र राव लाखे को लिया गया, ठीक है, आयोग के द्वारा रामचंद्र राव लाखे को क्या लिया गया है, इसका आंसर लिया गया है 2022 में, कौन से एग्जाम में, तो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में, है ना, क्या लिया गया है इसका आंसर, तो इसका आंसर रामचंद्र राव लाखे को लिया गया है, और एकमात्र प्रतिनिधि इन्हीं को माना गया है, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीपीएससी 2022 स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम का है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन देखो, एकमात्र प्रतिनिधि भी नहीं थे, टोटल कितने प्रतिनिधि थे, तो 4 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, और सभी बुकों में भी आपको क्या मिलेगा, यही 4 प्रतिनिधि मिलेगा, और लेकिन पीएससी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पूछा है, और आंसर किसको लिया था, तो रामचंद्र राव लाखे को लिया था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए, वामन राव लाखे इसका आंसर होना चाहिए, बाकी भाई फिर क्या, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति, है ना, जय माता दी बोलकर आगे पूछे तो लगा देना, ठीक है, बाकी फिर दावापत्ति करेंगे आपके साथ हम, क्लियर है, क्या करेंगे हम फिर, दावापत्ति करेंगे, है ना, दावापत्ति खेलेंगे आयोग के साथ, ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, पहला बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था, दूसरा इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया, तीसरा इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चारलू ने की थी, ठीक है, 1, 2 एवं 3 सही है, 1, 2 सही है, 2, 3 सही है कि 1, 3 सही है, इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से आप अपना आंसर दें, लगा लिया आपने आंसर, क्या लगाया है आंसर आपने, जल्दी बताएं, 1, 2, 3 लगाया है, 1, 3 लगाया है कि 2, 3 लगाया है कि 1, 3 लगाया है, ठीक है, कौन सा आंसर आपने लगाया है, ठीक है, देख लेते हैं, 1891, ठीक है, में आईएनसी का क्या देख रहे हैं हम, अधिवेशन, आईएनसी का अधिवेशन, ठीक है, आईएनसी का अधिवेशन 1891 में कहां हो रहा है,
तो नागपुर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नागपुर में, ठीक। और इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष मद्रास के सुप्रसिद्ध वकील पी आनंद चारलू जी थे, ठीक है। कौन थे? पी आनंद चारलू। पी आनंद चारलू क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब ये जो नागपुर अधिवेशन था, इसमें मध्य प्रांत या छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के कई नेता, किसान एवं माल गुजार, कई नेता किसान एवं माल गुजारों ने क्या किया? तो भाग लिया, ठीक है। माल गुजारों ने भाग लिया, लेकिन वास्तविक संख्या नहीं पता कि इसमें 200 लोगों ने भाग लिया, 300 लोगों ने भाग लिया कि 400 लोगों ने भाग लिया, ठीक। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो आप सबसे पहले बताएंगे वही वामन राव लाखे, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के नेता किसान माल गुजार थे वो गए थे, ठीक है। वामन राव लाखे के उपरांत माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और बद्री प्रसाद साव, ठीक है। इनमें से ये जो चार नेता ऊपर के दिख रहे हैं आपको, ये क्या थे? तो ये रायपुर के थे, और बद्री प्रसाद साव ये बिलासपुर के प्रमुख नेता थे, ठीक है। क्लियर है? इन नेताओं ने क्या किया? प्रमुख रूप से भाग लिया, और साथ ही ये जो छत्तीसगढ़ के नेता किसान माल गुजार शामिल हुए थे, ये मध्य प्रांत के गवर्नर से मिलकर, ठीक है, किससे? तो मध्य प्रांत के गवर्नर से मिलकर क्या किया था इन्होंने? तो नहर एवं जंगल कर वापस लेने की मांग की थी, उनको एक प्रस्ताव या एक पेशकश भेंट की थी कि भैया आप क्या कर दें यार, हमारा जंगल और नहर कर क्या कर दें, तो माफ कर दें, ठीक है। इसके अलावा आप जानना कि जो नागपुर अधिवेशन है, इसमें जो छत्तीसगढ़ है उसमें राष्ट्रीय चेतना का तो विकास हुआ, लेकिन कांग्रेस की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव अभी जो 1889 और 1891 का जो अधिवेशन है, इसका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक कारक जरूर बनाइए, लेकिन अभी कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ना प्रारंभ नहीं हुआ है। क्लियर है? अब देखें हम अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय चेतना के विकास का एक कारक था। बिल्कुल सही है, कारक था। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मैंने बताया था आपको कि कितने लोगों ने भाग लिया इसकी संख्या नहीं मिलती, अनेक लोगों ने भाग लिया ऐसा जानकारी मिलता है हमको, जिसमें नेता किसान एवं माल गुजार शामिल थे, ठीक है। इसलिए कथन क्या गलत हो जा रहा है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चारलू ने की थी। यह कथन क्या आपका सही है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चारलू जी ने की थी। एक और तीन क्या आपका सही है? कहां पर नजर आ रहा है? डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका आंसर हो जाएगा। एक एवं तीन जो कथन है वो क्या है आपका? सत्य है। अगला बोल रहा है 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए? लिटररी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज, कवि समाज, ठीक है। 1870 से 1900 के बीच में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है, रायपुर जिले में कौन कौन से संगठन स्थापित हुए? रायपुर जिले में क्या पूछ रहा है आपको? कौन कौन से संगठन स्थापित हुए? लिटररी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक संस्थान, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज, ठीक है। कौन कौन से जो संगठन है वो स्थापित हुए हैं? एक दो तीन हुए हैं, दो तीन चार हुआ है, एक दो चार हुआ है, कि एक दो तीन चार मतलब सभी स्थापित हुए हैं? जल्दी से आप अपना आंसर दें। लगा लिया आपने आंसर? देखिए पहले देख लेते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं ये कब कब गठित हुई थी। तो ये जो देख रहे हैं आप लिटररी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, मतलब
आपका वैज्ञानिक एवं साहित्यिक संस्थान इसका गठन हुआ है 1870 में, ठीक है। कब हुआ था गठन? 1870 में। मालिनी रीडिंग क्लब 1899 में, छत्तीसगढ़ बाल समाज 1870 में, और कवि समाज 1899 ये राजीव में गठित हुआ है, ठीक। तो आप क्या पा रहे हैं कि 1870 से 1900 के तक में ये चारों जो संस्थान है वो क्या हुए हैं? रायपुर जिले के अंतर्गत गठित हुए हैं। तो 1, 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? ठीक है, रायपुर की कौन सी घटना को क्या कहा जाता है? तो सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद, दूसरा 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, तीसरा 1 अप्रैल 1907 को भारतीय सांस्कृतिक परिषद की बैठक, और 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो घटना है वो सूरत में जो नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुआ कांग्रेस, इसकी पृष्ठभूमि है, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। तो 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, इसमें क्या हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के जो नेता थे उसमें एक फूट नजर आई थी। मैं सबसे पहले सूरत पर चर्चा कर लेता हूं। तो जो सूरत अधिवेशन को आप जानते हैं कि सूरत जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, इसमें विवाद का कारण क्या बना था? तो विवाद का कारण बना था आपका अध्यक्ष का पद। ठीक है, उस समय जो उदारवादी दल थे वो क्या चाहते थे? तो रास बिहारी घोष को क्या चाहते थे? वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और जो उग्रवादी दल थे, ठीक है, क्रांतिकारी लोग थे वो क्या चाहते थे? तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन अंततः जो रास बिहारी घोष रहते हैं वो क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, और कांग्रेस का यहीं पे क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है नरम दल एवं गरम दल में। ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अब वही घटना आपको कहां पर देखने मिल रही है? छत्तीसगढ़ में 29 मार्च 1907 को। ठीक है, 29 मार्च 1907 को हुआ क्या था? तो तीसरा तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। ठीक, कब हुआ ये? तो ये हुआ, इसका समय है 29 मार्च 1907 को। ठीक है, कब हुआ था? तो 29 मार्च 1907 को क्या हुआ था? तो तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, स्थान कहां हुआ था? तो यह हुआ था टाउन हॉल रायपुर में। ठीक है, कहां हुआ था? टाउन हॉल रायपुर में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष, ठीक, ये जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ तीसरा रायपुर के अंतर्गत, उसके अध्यक्ष थे श्री केलकर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो श्री केलकर जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष थे हरी सिंह गौर। ठीक है, स्वागत अध्यक्ष कौन थे? तो हरी सिंह गौर क्या थे? इसके स्वागत अध्यक्ष थे। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हुआ क्या इसमें? तो ये जो तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है कहां पर? रायपुर में। इस सम्मेलन में बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, इसमें से एक नेता शामिल हुए जिनका नाम था क्या? दादा साहब खापरडे जी। ठीक है, क्या नाम था? दादा साहब खापरडे जी का कथन रहता है कि ये जो सम्मेलन है इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कर रहे हैं, अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत, ठीक है, इस सम्मेलन की शुरुआत क्या होनी चाहिए? तो वंदे मातरम से होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इस सम्मेलन की शुरुआत वंदे मातरम से होना चाहिए, जिसको ये जो स्वागत अध्यक्ष रहते हैं कौन? तो हरी सिंह गौर जी। और
इस सम्मेलन के अध्यक्ष श्री केलकर जी ये क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं भैया है ना हम क्या नहीं करेंगे, तो वंदे मातरम से इस सम्मेलन की शुरुआत नहीं करेंगे, बोल देते हैं कौन, इस स्वागत अध्यक्ष और अध्यक्ष, ठीक है। तो इनका कथन रहता है दादा साहब खापड़े जी का, जब ये हमारा क्या है सम्मेलन है ना, और हमारा सम्मेलन है तो इसमें हम वंदे मातरम से क्यों सभा की शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक है, वंदे मातरम से हम सभा की शुरुआत कर सकते हैं। उनका कथन रहता है कि नहीं भैया वंदे मातरम से क्या होता है, तो अंग्रेजों को बुरा लगता है वंदे मातरम बोलने से। तो खापड़े जी का कथन रहता है तो बुरा लगने दो ना, हमको क्या करना है, उनको लगना चाहिए बुरा, ठीक है, बुरा लगेगा तभी छोड़ के जाएंगे, यहाँ पर हम उनका अतिथि करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, ठीक है, अतिथि देवो भव का यहाँ पर है हमारे पास कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी ना अतिथि बनाकर रखेंगे हम, ठीक। तो हम क्या करना चाहिए, हमको इस सभा की शुरुआत, इस सम्मेलन की शुरुआत वंदे मातरम से करनी चाहिए, ठीक। इस बात में क्या होता है, बहस होता है किसके किसके मध्य, तो हरि सिंह गौर जी श्री केलकर और एक तरफ दादा साहब खापड़े के मध्य, ठीक। लेकिन मानते नहीं है कौन, तो ये हरि सिंह गौर और केलकर जी नहीं मानते, इनका कथा रहता है कि नहीं हम नहीं शुरू करेंगे, हमारे जो अंग्रेज मित्र हैं उन लोग को क्या होता है इससे कष्ट होता है, उनको बुरा लगता है, तो कैसे उनको बुरा लगता है तो हम अपनी माता की जय ना बोले क्या, ऐसा वाला सिस्टम था इनका, ठीक है। उदारवादी लोग थोड़ा सा क्या थे, अंग्रेजों के समर्थक के रूप में थे, ठीक है, कि वो चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ रहते हुए ही, ठीक है, उनके साथ साथ चलते हुए ही क्या करेंगे, हम उनको समर्थन देते रहते हैं, एक टाइम के बाद वो छोड़कर चले जाएंगे, भाई क्यों जाएगा वो, जब आप उसको समर्थन दे रहे हो वहां, यहां रहने से उनको फायदा है ना, यहां रहकर उनको क्या मिल रहा है, तो पर्याप्त धन मिल रहा है, तुम जैसे लोगों का साथ मिल रहा है, तो क्यों छोड़ के जाएगा, यहां नहीं जाएगा छोड़ के, क्यों जाएगा छोड़ के, जब तक उसको हम लोग झपड़ियाएंगे नहीं, झापड़ी झापड़ मारेंगे नहीं, तब तक कहां जाएगा वो, नहीं जाएगा ना, वो तो कब्जा करके बैठा है यहां पर, हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, ठीक है, यहां पर ऐश से है, अय्याशी कर रहा है, तो क्यों जाएगा यहां से, नहीं जाएगा वो, ठीक है। ये कथन रहता किसका, श्री केल दादा साहब खापड़े जी का, ठीक। अब फाइनली नहीं मानते हैं तो दादा साहब खापड़े क्या करते हैं, तुम कर लो अपनी सभा, ठीक है, हमको नहीं रहना ऐसी सभा में जहां पर हम अपने देश की ही जय नहीं बोल सकते हैं, अपने भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हमको ऐसे सभा में रहना भी नहीं है, आप करो अपनी सभा, ठीक है। ऐसा कहकर दादा साहब खापड़े क्या होते हैं, ये सभा त्याग कर चले जाते हैं, ठीक। फिर जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी रहते हैं वो अपने उदारवादी मित्रों को समझाते हैं कि अगर ऐसा हम करेंगे तो जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमको क्या करना है, अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र कराना है, उसमें क्या हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, अगर हम में क्या रहेगी, आपसी फूट रहेगी, ठीक है। ऐसा कथन रहता है किसका, तो ये कथन रहता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, और वो समझाते हैं हरि सिंह गौर और श्री केलकर को कि दिक्कत क्या है, कर लेते हैं शुरू वंदे मातरम से, ठीक। तो उनके समझाने पर ये मान जाते हैं, ठीक है। इनके मानने के उपरांत फिर से क्या किया जाता है, दादा साहब खापड़े को बुलावा भेजा जाता है कि ठीक है भाई आप आ जाइए, हम क्या करेंगे, वंदे मातरम से इस सभा की शुरुआत करेंगे। खापड़े जी बोल दिए ना करना अपने को, चलो निकलो तुम, ठीक है, जहां से एक बार से निकल गए अपन वहां दोबारा हम जाएंगे नहीं, ठीक। हम क्या कर लेंगे, हम अपना स्वयं का एक सभा कर लेंगे, और उस सभा में जैसी हमारी मर्जी होगी, जो हमको नारा लगाना होगा वो नारा हम लगाएंगे, हम किसी के क्या नहीं है, गुलाम नहीं है कि उनके हिसाब से बोलेंगे, ठीक है, उनके हिसाब से सोचेंगे, हम क्या है, स्वतंत्रता अगर हमको प्राप्त करना है तो हमारी सोच भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दादा साहब खापड़े, फिर सभा का त्याग करके पहले दिन तात्यापारा के हनुमान मंदिर में और दूसरे दिन बूटी के बाड़ा में क्या करते हैं, सभा संबोधित करते हैं और लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए क्या करते हैं, वो प्रेरित करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए और साथ ही लोगों को क्या करने के लिए, तो एक रहने के लिए, एकत्रित रहने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कौन प्रेरित करते हैं, तो दादा साहब खापड़े प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही जो इनके सहयोगी रहते हैं, ठीक है, किनके सहयोगी, दादा साहब खापड़े जी के सहयोगी, उनके द्वारा इन सभाओं में जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है, ठीक है। तो बोलो वंदे मातरम, ठीक है, क्या बोलना है आपको, वंदे मातरम, ठीक है, कोई हमको नहीं रोक सकता वंदे मातरम बोलने से, ठीक। मतलब एक तरफ से चिढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, किसको चिढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, तो जो उदारवादी लोग हैं या जो अंग्रेज लोग हैं उनको चिढ़ाया जाता था वंदे मातरम बोल के, ठीक है। वंदे मातरम बोलने से जो देश विरोधी लोग थे वो क्या होते थे, चिढ़ते थे, ठीक है, जैसे अंग्रेज वाले लोग, ठीक। अभी भी आप समझ जाना कि अगर वंदे मातरम बोलने से किसी को परहेज है, वंदे मातरम
बोलने में किसी को दिक्कत हो रहा है, सुनने में दिक्कत हो रहा है, तो समझ जाना ये उसी समय के लोग हैं, उसी विचारधारा के लोग हैं। क्लियर है? समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? कमेंट सेक्शन में सब बोलेंगे जल्दी क्या, वंदे मातरम। क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया बात आपको। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी क्या हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल एवं गरम दल में। ठीक है, क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं यार कि कौन कौन नरम दल के नेता थे छत्तीसगढ़ में और कौन कौन मुख्य रूप से गरम दल के नेता थे। जब तक हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, माधव राव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब आपको असत्य कथन छांटना है। आप क्या छांटना है, आपको असत्य कथन छांटना है। पहला क्या बोल रहा है, हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया। दूसरा बोल रहा है, इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। तीसरा बोल रहा है, इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे। चौथा बोल रहा है, इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। ठीक है, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, मतलब असत्य कथन आपको छांटना है। जल्दी छांटें आप, लगा लिया आपने आंसर? क्लियर है, लगा लिया कि नहीं लगाया? चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम किसके बारे में, तो हिंद केसरी के बारे में। ठीक, देखो हिंद केसरी के संपादक कौन थे, तो माधव राव सप्रे जी थे। ठीक है, कौन थे, माधव राव सप्रे जी हिंद केसरी के क्या थे, संपादक थे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है बात आपको, क्या थे, माधव राव सप्रे हिंद केसरी के संपादक थे। अब माधव राव सप्रे जो थे वो अपना आदर्श मानते थे किसको, तो बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, किसको मानते थे, तो राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को क्या मानते थे, तो माधव राव सप्रे अपना आदर्श मानते थे। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उस समय लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने, लोगों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए दो पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे, एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। ठीक है, मराठी भाषा में ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, जिससे प्रभावित होकर माधवराव सप्रे ने क्या किया, तो माधवराव सप्रे ने 13 अप्रैल 1907 को नागपुर से, ठीक है कहां से, तो नागपुर से हिंदी भाषा में हिंद केसरी का प्रकाशन किया। ठीक है, नागपुर से हिंदी भाषा में हिंद केसरी का प्रकाशन किया। ठीक है, नागपुर से क्या किया इन्होंने, हिंदी भाषा में हिंद केसरी का प्रकाशन किया। कब, तो 13 अप्रैल 1907 को। ठीक है, ये जो 13 अप्रैल 1907 को नागपुर से हिंदी भाषा में हिंद केसरी का प्रकाशन हुआ, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा था, तो माधव राव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो लोग थे उनके राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए क्या किया जा रहा था, कार्य किया जा रहा था। ठीक है, उनको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी घटनाएं ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के खिलाफ की जा रही थी उनके बारे में अवगत कराया जा रहा था, उनका राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा रहा था, सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ने के लिए क्या किया जाता था, उनको प्रेरित किया जाता था, स्वदेशी अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था। ठीक है, अब यही जो पत्रिका थी हिंद केसरी, इसमें 1908 में शीर्षक छपे। ठीक है, कौन से शीर्षक, तो दो शीर्षकों का नाम याद रखना है आपको, एक देश की दुर्दशा, ठीक है क्या, तो देश की दुर्दशा और दूसरा बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य। ठीक है, जो देश की दुर्दशा थी ये देश सेवक का हिंदी रूपांतरण था, देश सेवक का हिंदी रूपांतरण, और जो बम गोले का रहस्य था ये काला पानी का हिंदी रूपांतरण था, काला पानी का हिंदी रूपांतरण। ठीक है, ये क्या बताया गया था इन शीर्षकों में, तो देश की दुर्दशा, तो देश की दुर्दशा में बताया गया था माधवराव सप्रे के द्वारा कि कैसे जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या कर रहा है, तो वो हमको लूट रहा है हमारा विकास करने के नाम पर। ठीक है, ऐसा दुनिया को बताकर कि हम क्या कर रहे हैं, हम भारतीयों का विकास कर रहे हैं, ये जो भारतीय है ये जाहिल है, इनको कुछ नहीं आता, हम क्या कर रहे हैं, इनका विकास करने आया, हमारे द्वारा इनका विकास किया जा रहा है, ऐसे बताकर ये क्या कर रहा है, लगातार हमको लूट रहा है, हमारी जो संपत्ति है, हमारे
देश का जो संसाधन है उसका उपभोग कर रहा है और सिर्फ अपने लिए ही उपभोग कर रहा है, यहाँ के सारे संसाधनों को अपने देश पहुंचा रहा है और हमारा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहा है। ठीक है, इस बारे में ये लेख था, देश की दुर्दशा। और दूसरा जो बम गोले का रहस्य था, इस शीर्षक में माधव सप्रे द्वारा बम बनाने की विधि का क्या किया गया था, एक विस्तृत वर्णन किया गया था कि कैसे बम बनाया जाता है। अब क्या प्रभाव हुआ इसका, अब कैसे बम बनाया जाता है तो ये सब लोग जान गए। ठीक है, प्रकाशित हुआ, गली गली तक प्रकाशित हो गया बम बनाने की विधि। अब बम बनाने की विधि क्या हो गई, गली गली तक जब प्रकाशित हुई तो गली गली में लोग क्या करने लगे, बम बनाने लगे, जहां पर अंग्रेज दिखे वहां पर फोड़ने लगे बम से, ले भाई और आएगा कितना लूटेगा, ले आ। ठीक है, फिर दिखे कहीं पर, फिर फोड़ दिए, जो अंग्रेजों के समर्थक है वो दिखे उनके ऊपर बम फोड़ दिए, तो जगह जगह क्या होने लगी, क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी। ठीक है, कि अब अंग्रेजों तुम निकलो यहां से, तुम्हारा काम हो गया, बहुत दिन शासन कर लिए, बहुत लूट लिए हमको, अब क्या करो तुम यहां से जाओ भैया, आपको हम अब तुम हमको नहीं लूट सकते। ठीक है, लूटोगे तो क्या कर देंगे, बम बनाना सीख गए हैं, जहां मिलोगे वहां बम से उड़ा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि 13 अप्रैल 1907 के बाद 21 अगस्त 1908 को, ठीक है, कब, 21 अगस्त 1908 को राजद्रोह के आरोप में, ठीक है, किसके आरोप में, तो राजद्रोह के आरोप में माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, क्या किया गया, माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, कब गिरफ्तार किया गया, तो राजद्रोह के आरोप में 21 अगस्त 1908 को माधवराव सप्रे जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जो ब्रिटिश शासन थी वो कहती है कि हम माधवराव सप्रे को छोड़ देंगे, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा, उनको माफी मांगनी पड़ेगी और आगे आने वाले समय में ऐसा कार्य ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आश्वासन देना पड़ेगा, तब हम क्या कर देंगे, इनको छोड़ देंगे। माधवराव सप्रे बोले रहने दो, हम क्या कर लेंगे, जेल में रह लेंगे, माफी वाफी नहीं मांगेंगे भैया हम। ठीक है, जेल में रहना पसंद है लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगेंगे। अब इस बीच वामन राव लाखे क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं माधवराव सप्रे और अंग्रेजी शासन के मध्य। ठीक है, वामन राव लाखे समझाते हैं, बोल देना यार सॉरी, सॉरी बोलने में क्या जाता है, बाहर निकलेंगे फिर से बम फोड़ देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, फिर आएंगे फिर सॉरी बोल देंगे। तो माधवराव सप्रे बोलते हैं नहीं भाई, नहीं बोलूंगा, इन लोग को कौन सॉरी बोलेगा, ठीक है, दो कौड़ी के लोगों को मैं सॉरी बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ठीक है, किसका कथन रहता है, तो ये माधवराव सप्रे का कथन रहता है, मैं नहीं बोलूंगा। फाइनली जो वामन राव लाखे हैं वो बताते हैं कि भाई देख ले, अगर तू सॉरी नहीं बोला भाई तो क्या होगा, जो तेरा छोटा भाई है घर में वो बोल रहा है कि वो आत्महत्या कर लेगा, अगर मेरा बड़ा भाई बाहर नहीं आया, जेल में रहा, तो मैं क्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा बोल रहा है भाई तेरा छोटा भाई। ठीक है, किसको समझाते हैं, माधवराव सप्रे जी को समझाते हैं, कौन समझाते हैं, वामन राव लाखे। तो परिवार के दबाव में विवशता पूर्वक जो माधवराव सप्रे थे वो क्या करते हैं, ब्रिटिश शासन से माफी मांगते हैं। ठीक, अब ब्रिटिश शासन से माफी मांगने के उपरांत 2 नवंबर 1908 को माधवराव सप्रे को मुक्त किया गया। ठीक है, क्या किया गया, माधवराव सप्रे को मुक्त किया गया, माधवराव सप्रे को मुक्त किया गया। क्लियर है, कब मुक्त किया गया, तो 2 नवंबर 1908 को माधवराव सप्रे को मुक्त किया गया। अब इस बात से जो रायपुर की जनता थी वो क्या हो गई, थोड़ी उत्तेजित हो गई कि भाई तुम माफी कैसे मांग लिया, हम तुमको अपना आदर्श मानते हैं, तुम माफी मांग लिए। रायपुर की जनता को ये नहीं पता कि उनका भाई क्या बोल रहा है, भाई आत्महत्या कर लूंगा बोल रहा है, उनके परिवार के जो दबाव आ रहा है उसके बारे में जनता को नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे पता चलता है रायपुर की जनता को कि माधवराव सप्रे जी ने क्या मांगी, माफी मांगी है, तो रायपुर की जो जनता रहती है वो माधवराव सप्रे जी का क्या करती है, पुतला दहन करने लगती है, पोस्टर जलाने लगती है। ठीक है, अब जनता तो जनता है ना, एक सेंटीमेंट जुड़ा रहता है, एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है हमारा। अब उस भावना, अगर जो हमारी भावना है वो अगर टूटती है तो फिर क्या होता है, एक दर्द होता है ना। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम है, अब पूरा 130 करोड़ जनता चाहता है कि वो वर्ल्ड कप जीते, अब वर्ल्ड कप इन लोग हारेंगे तो उनका भी पुतला दहन होगा, कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सब प्रे करो कि इंडिया क्या हो जाए, इस बार वर्ल्ड कप जीत जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। देखिए अब हम क्या क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, बिल्कुल सही, हिंद केसरी का प्रकाशन क्या किया गया, नागपुर से किया गया। दूसरा, इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया, यह भी कथन सही है, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, ये कथन गलत है, वामन राव लाखे इसके संपादक मंडल में नहीं थे। वामन राव लाखे ने क्या किया था, तो जेल के अंतर्गत मध्यस्थता की थी माधवराव सप्रे एवं अंग्रेजी शासन के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच क्या किया था, मध्यस्थता किया था, अंग्रेजों को समझाया था छोड़ दे रहे भाई,
सारे के सारे रायपुर के लोग अगर चढ़ जाएंगे कभी झापड़ मारेंगे तुम लोग सब निपट जाओगे करके, ठीक है। और माधवराव सप्रे जी को समझाए कि भाई माफी मांग ले थोड़ा से, है ना, माफी नहीं मांगेगा तो तेरा भाई भाई क्या कर लेगा, तो वो आत्महत्या कर लेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था, ये कथन भी बिल्कुल सही है, देश की दुर्दशा और साथ में क्या, बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य, ठीक है, ये दो लेख छपे थे, समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, गलत, इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे नहीं थे। वामन राव लाखे ने क्या किया था, तो वामन राव लाखे ने इसमें मध्यस्थता की थी, ठीक है, क्या की थी, मध्यस्थता की थी। अगला, छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटनाओं अथवा संस्थाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए, ठीक है, अथवा नहीं है, ये और कर लें आप, घटनाओं और संस्थाओं को उनके वर्ष से आप क्या करें, सुमेलित करें। मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद तृतीय अधिवेशन, ठीक है, दूसरा बोल रहा है समित्र मंडल की स्थापना, तीसरा बोल रहा है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, और चौथा बोल रहा है पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी, है ना। तो पंडित माधवराव सप्रे चौथा, अभी देखा था हमने गिरफ्तार कहां पर हुए थे, तो माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी हुई थी 1908 में, कब हुआ था 1908 में। अब आप देख लें चौथा का पहला कहां पर दिख रहा है, एक में दिख रहा है, एक में दिख रहा है, यही इसका आंसर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं होगा, ऐसी तो क्वेश्चन बनाया जाता है, जरूरी थोड़ी है ऐसे क्वेश्चन में आपको सभी पता हो, सभी नहीं पता हो, एक पता होता है तब भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, समझ में आ गया बात। अब मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद तृतीय अधिवेशन, अभी हमने देखा था कि कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1907 में, कब हुआ था 1907 में, रायपुर के अंतर्गत तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, वंदे मातरम वाला भी जो स्टोरी बताया मैंने, दादा साहब खापड़े वाला, क्लियर। समित्र मंडल की स्थापना ये हुई थी 1906 में रांची में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में, है ना, किसके द्वारा किया गया अभी आप बताएंगे, पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय भी है और 1900 में एक सरस्वती पत्रिका भी है, दोनों को बताएं कि सरस्वती पत्रिका की स्थापना, मतलब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने किया और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक। तो क्या दिख रहा है आपको, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के विकास के चरण और वर्ष, ठीक है, 1897 हो गया है, इसको आप 1887 कर ले, है ना, दूसरे वाले को आप 1887 कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, 1887 कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, दूसरे वाले को 1887, क्लियर है, देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण, रुद्री बैराज का निर्माण, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय और राजनांदगांव में बीएनसी मिल का प्रारंभ, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, सुमेलित करना है, ठीक है, क्या करना है इसको आपको, सुमेलित करना है, क्लियर है। देखिए राजनांदगांव में बीएनसी मिल का जो प्रारंभ है यह हुआ था 1892 में, ठीक है, कब हुआ था, चार का एक कहां पर दिख रहा है, द का एक, तो द का एक फिर से ए में दिख रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण कब, तो ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण 1897 में, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण कब, 1897। रुद्री बैराज 1912, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय 1887, 1887। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1, क्लियर है। देखें अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खुलेगी, ठीक है, निम्नलिखित कथन को आपको पढ़ना है, इसमें क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, दूसरा बोल रहा है इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, तीसरा बोल रहा है छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, ठीक है। अब आंसर आपको देना है इसमें, ठीक है, कि सही क्या है, केवल एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, कि एक एवं तीन सही है, जल्दी आप अपना आंसर दें इसमें, लगा लिया आंसर आपने, पढ़ ले हम थोड़ा सा होम रूल लीग के बारे में, तो देखते हैं हम लोग होम रूल लीग,
होम रूल लीग। ठीक, होम रूल लीग जो है इसका समय क्या पूछे आपको तो बताएं आप 1916 से 1918। ठीक है, होम रूल का अर्थ आप क्या समझ रहा है? तो होम रूल का अर्थ होता है स्वयं के क्षेत्र में, स्वयं के क्षेत्र में स्वयं के प्रतिनिधि द्वारा शासन, स्वयं के क्षेत्र में स्वयं के प्रतिनिधि द्वारा शासन। ठीक है, अब ये जो होम रूल था ये भारत के अंतर्गत दो लोगों के द्वारा शुरू किया गया। पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का और दूसरा आता है क्या, एनी बेसेंट जी का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, दोनों क्या कर रहे थे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होम रूल लीग को संचालित कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें आप फिर वही क्या देखें, एक हम देखते हैं एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास प्रांत और बंगाल प्रांत वाला क्षेत्र था। ठीक है, और तिलक जी के नेतृत्व में मराठावाड़ा मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, नॉर्थ कर्नाटक बरार और छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक है, क्या शामिल था, छत्तीसगढ़ शामिल था। मतलब छत्तीसगढ़ किस होम रूल लीग के अंतर्गत था, तो तिलकवादी होम रूल लीग के अंतर्गत था। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखें तो ये आपका रायपुर हो गया, रायपुर के बाद ये दुर्ग, ठीक है, दुर्ग से फिर ये आपका क्या राजनांदगांव और इसके अलावा ये बिलासपुर। ठीक है, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर, ये क्या थे, होम रूल लीग के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, क्या थे, तो छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग के प्रमुख केंद्र थे क्या क्या, तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर। ठीक है, ये क्या थे, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, क्या था, ये प्रमुख केंद्र था। ठीक, इसमें से जो रायपुर है आपका, ठीक है, क्या रायपुर, रायपुर के अंतर्गत 1917-18 में होम रूल लीग से संबंधित कुछ कार्य किए गए। ठीक है, जैसे होम रूल की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई। ठीक, इसकी स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा क्या किया गया, तो स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया, तो होम रूल लीग की स्थापना किया गया, कब, तो 1917 में। ठीक है, कब, 1917 में। ठीक है, इसमें इनको समर्थन, किनको समर्थन, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को समर्थन माधवराव सप्रे, ठीक, मूलचंद बांगड़े, लक्ष्मण राव उदय गिरकर को ने क्या किया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को समर्थन दिया। समर्थकों के नाम आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, माधवराव सप्रे, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, अभी इतना सारा मैं आपको पूरा रामायण महाभारत सुनाया हूँ। माधवराव सप्रे क्या थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडियल मानते थे इनको। ठीक, तो वो तो रहेंगे ही, माधवराव सप्रे के साथ मूलचंद बांगड़े और लक्ष्मण राव उदयगिरकर। ठीक, इसके अलावा जिले का प्रतिनिधि, ठीक, होम रूल लीग में जिले का प्रतिनिधि राय बहादुर ठक्कर को बनाया गया। ठीक, किसे बनाया गया,
तो राय बहादुर ठक्कर को जिले का प्रतिनिधि बनाया गया। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ये मैं मिटा रहा हूं, आप केंद्र को लिख लीजिएगा साइड में। ठीक, फिर 1918 में होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। कब हुआ? तो 1918 में। और इस क्षेत्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष, इस क्षेत्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे? इस क्षेत्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। क्लियर है। अब इस क्षेत्रीय सम्मेलन में होम रूल लीग के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक छत्तीसगढ़ आए थे। बाल गंगाधर तिलक छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, क्या हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, किसके प्रचार के लिए? तो होम रूल लीग के प्रचार के लिए। होम रूल लीग के क्षेत्रीय सम्मेलन जो 1918 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी की अध्यक्षता में जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने और होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने के लिए 1918 में बाल गंगाधर तिलक क्या हुए थे? तो छत्तीसगढ़ आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, अंडरलाइन करके रखेंगे आप इसको। ठीक है, कि होम रूल लीग के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने 1918 में छत्तीसगढ़ आए थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक जी छत्तीसगढ़ आए थे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब बाल गंगाधर तिलक जो रहते हैं, वो लखनऊ से बंगाल जाने के दौरान बीच में छत्तीसगढ़ आकर दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर की यात्रा उन्होंने की थी। ठीक है, क्या किया था? तो दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक, जो टोटल मैं बात करूं होम रूल लीग के दौरान तिलकवादी स्वराज्य संघ की संख्या बिलासपुर में 70, रायपुर में 18 और दुर्ग में 11 था। ठीक है, टोटल 99 क्या था यहां पे? तिलकवादी स्वराज्य संघ काम कर रहा था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। बिल्कुल 17 होम रूल लीग की क्या हुई थी? शाखा खोली गई थी। एक ब्रांच डला था रायपुर में, अभी हमने देखा था। और किसने खोला था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने। सहयोग किसने दिया था? तो माधवराव सप्रे, मूलचंद बांगड़े, लक्ष्मण राव उदयगीरकर ने क्या किया था? सहयोग दिया था, समर्थन दिया था। और जिले का प्रतिनिधि किसे बनाया गया था? तो राय बहादुर ठक्कर को जिले का प्रतिनिधि बनाया गया था। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 थी। ठीक है, गलत है, ये 1700 नहीं थी। ठीक, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, यह कथन सही है। ठीक है, जो एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल थी, वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सक्रिय नहीं था। केवल बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व वाला जो होम रूल लीग था, वही क्या था? यहां पर सक्रिय था। तो 1 एवं 3 क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया? ठीक है, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया? पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, राम गोपाल दुबे। ठीक है, तो इसमें से पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, इन्होंने क्या किया था? सक्रिय रूप से भाग लिया था। राम गोपाल दुबे जी का नाम इसमें नहीं आता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिलासपुर से मुख्य रूप से ई राघवेंद्र राव, अंबिका चरण शुक्ल। ठीक है, कौन कौन? तो ई राघवेंद्र राव, अंबिका चरण शुक्ल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, नागेंद्र नाथ डे, ठाकुर मनमोहन सिंह, ये सब क्या थे? तो बिलासपुर के मुख्य नेता थे। आप नाम लिखकर रखेंगे इनका। ठीक है, साथ ही दुर्ग से प्रमुख नेता के रूप में घनश्याम सिंह गुप्त जी का नाम आता है, और राजनांदगांव से प्रमुख नेता के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का नाम आता है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। और रायपुर के बारे में तो हमने अभी पढ़ लिया है ऊपर, अब बिलासपुर के बारे में अभी जो मैंने बोला वो सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और दुर्ग और रायपुर में, दुर्ग और राजनांदगांव में एक एक नाम, घनश्याम सिंह गुप्त और
ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया बात आपको? ठीक, इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करें। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो आगे हम देखेंगे कि 1918-20 में जो जो घटनाएं प्रमुख रूप से हुई है उस पर क्या करेंगे, हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में और नए नए आपके साथ लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।